हेलो दोस्तों दोस्तों और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मेरे पास एनएक्स ऑडियो का 3000 वाट का एम्पली आया है और इसमें दिक्कत है, ये बार कैपेसिटर ख़राब होता है। तो किस चक्कर में हम लोगों का बार बार कैपेसिटर जो मेन फिल्टर है ख़राब होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा किस चक्कर में ख़राब होता है कैपेसिटर। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये ओरिजिनल भी ख़राब हो चुका है। तो किस कारण से ख़राब हुआ है वो मैं बताऊंगा, और ये लोकल कोई दूसरा टेक्नीशियन लगाया था, हाँ 10,063 वोल्ट का। और इसका साउंड सुन सकते हो, अंदर पूरा हिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, 110 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये एक डायड है, सिंगल डायड है इसमें, ये देख सकते हो, ये ग्राउंड है। इसमें 110 वोल्ट प्लस का आता है, 110 वोल्ट माइनस का आता है। तो ये 110 वोल्ट को दो कैपेसिटर में डिवाइड किया है, ये माइनस है और ये प्लस है। 110 वोल्ट को दो कैपेसिटर में डिवाइड किया है। तो ये क्या होता है, लोकल लगाओगे, मान के चलिए ये लोकल हो गया, और लोकल लगाने के बाद क्या होता है, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो एक कैपेसिटर में पूरा वोल्ट आ जाता है। ये शॉर्ट हो गया, यहाँ से इस सीरीज किया हुआ है यहाँ से, तो एक कैपेसिटर में वोल्ट आ जाएगा। ये मान के चलिए 110 वोल्ट आ गया, तो 110 वोल्ट के लिए ये नहीं बना है, ये मिनिमम हाईएस्ट वोल्ट 63 वोल्ट के लिए बना है। अगर 63 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। तो क्या होता है, इसे लोकल लगाओगे तो ये शॉर्ट होने का चांस रहता है, और शॉर्ट होने के साथ साथ और ये जो ओरिजिनल जो कैपेसिटर है हमारा, ये भी ख़राब कर देता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्ट इनपुट हो जाता है सीरीज से। एक शॉर्ट हो जाने से ये डायरेक्ट ये ग्राउंड इधर ये प्लस से होके इधर आ जाता है, ये कनेक्शन एक ही है दोनों, तो हो जाने के कारण ये कैपेसिटर ख़राब कर देगा ये ओरिजिनल वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को जो जो भी सामान लगाना है, तो मिनिमम ये जो मॉसफेट वगैरह होते हैं इनको आराम से, मतलब जो ओरिजिनल जितना हो सके ओरिजिनल लगाने का प्रयास करें, क्योंकि लोकल लगाने से हम लोगों का जो ओरिजिनल लगा रहता है एम्पली के साथ, उसको भी ख़राब करने का चांस रहता है। देख सकते कितना सारा कैपेसिटर ये सब फूल फूल गया है, ये देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतनी ही जानकारी बताना था दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो बड़ा बड़ा सामान होता है एम्पलीफायर वगैरह, उसमें बार बार खोलने का झंझट होता है, क्योंकि बहुत चीज़ एक नट खोलने के लिए पूरे एम्पली को अलग कर देना पड़ता है। तो इस कारण से दोस्तों ओरिजिनल लगाने से का प्रयास करें, क्योंकि इसमें देख सकते हो फिक्स जगह रहता है, एकदम कोई खाली नहीं रहता है एम्पली में। ये एनएक्स ऑडियो का 3000 वाट का एम्पली है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।